सो सोज एलिजिबिलिटी में लेट स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी ऑफ एज और अगर हम एज की बात करते हैं सो द मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स 30 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट इसका मतलब क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए दो अगस्त होगा चलेगा लेकिन एक अगस्त या एक अगस्त से पहले नहीं होना चाहिए 1994. अगर आप बिलोंग करते हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी को कैटेगरी के लिए कुछ कुछ एज में रिलैक्सेशन है जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को पांच साल का है इसका मतलब क्या है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का डेट ऑफ बर्थ दो अगस्त 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लास वालों का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर पी डब्ल्यू डी एक्स सर्विस मैन इन अदर कैटेगरीज़ सो देर इज ऑल्सो एज रिलैक्सेशन बट जो अनरिजर्व लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ दो अगस्त नाइन्टीन से पहले का नहीं होना चाहिए सो अपर एज लिमिट इज

एंड देन इन the सब्जेक्ट तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहली बात ग्रेजुएट सो आई एम श्योर वो तो सब हो, लोग होंगे ही अब अब इम्पोर्टेंट है कि पीजी में इन लोगों को क्या चाहिए सबसे पहली बात इट हैज़ टू बी अ टू ईयर कोर्स मतलब वन ईयर वाला नहीं चलेगा कुछ लोग वन ईयर डिप्लोमा करते हैं वन ईयर सर्टिफिकेट करते हैं वो सब लोग एलिजिबल नहीं है इट हैज टू बी टू ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आल्सो इट हैज टू बी फुल टाइम मतलब पार्ट टाइम या कोरस्पोंडेंस ये सब भी कोर्स नहीं चलेगा आपका फुल टाइम प्रोग्राम ही होना चाहिए इट कैन बी डिप्लोमा आल्सो इट कैन बी डिग्री आल्सो इट मीन टू ईयर

कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वन ईयर का मैंने डिप्लोमा कोर्स किया एच आर में यू गाइज आर नॉट एलिजिबल बिकॉज इट हैज टू बी टू ईयर ओनली एंड दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइज ये भी आपको याद रखना है तो जितने लोग एम बी ए वाले हैं या पी जी डिप्लोमा हैं सो दे विल कम इन टू दिस कैटेगरी लेकिन साथ में हमें क्या चाहिए वी आल्सो नीड स्पेशलाइजेशन सो स्पेशलाइजेशन किस में हो सकता है पर्सनल मैनेजमेंट में आई आर में एच आर में एच आर डी सोशल वर्क और लेबर लॉज इसमें से किसी में एक में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए अगर आप एच आर ऑफिसर के लिए विद आई बी पी एस एस ओ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अब गई काफ़ी जगह क्या होता है कि देर इज़ आर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन ठीक है और कुछ जगह क्या है कि कुछ लोगों के पास दो स्पेशलाइजेशन होते हैं ड्यूल स्पेशलाइजेशन होती हैं अगर ड्यूअल है और उसमें एक एच आर है चलेगा वेरी गुड यू आर एलिजिबल बट कई जगह क्या होता है कि ड्यूअल स्पेशलाइजेशन नहीं होती देर इज अ मेजर स्पेशलाइजेशन एंड देन देर इज अ माइनर स्पेशलाइजेशन अगर मेजर और माइनर है तब आपका एच आर मेजर स्पेशलाइजेशन ही होना चाहिए अगर एच आर माइनर स्पेशलाइजेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो सो वेन आई से एच आर आई मीन कोर्स जो भी यहां की वर्ड दिया हुआ है आई आर पर्सनल मैनेजमेंट एच आर डी एच आर सोशल वर्क ये सब भी जब मैं एच आर शब्द का प्रयोग करता हूं तो उसका एक ही मतलब से कोई भी की वर्ड हो सो गाइज वंस अगेन अगर आपका मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन है देन मेजर टू बी एच आर अगर माइनर एच आर होगा तो काम नहीं चलेगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फॉर दिस फॉर दिस कोर्स ठीक है अगर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन दो का मतलब है दोनों इक्वल है देयर इज नथिंग लाइक मेजर और माइनर उसमें कोई भी एक एच आर है इट्स गुड यू आर एलिजिबल उसके अलावा गाइज़ एलिजिबिलिटी में कई बार ये चीज़ भी आती है कि आप आ, कब तक कब तक आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए सो गाइज द कट ऑफ डेट इज 21 अगस्त 2024, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है सो so, 21 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए सो so, अगर आपको रिजल्ट आ गया है सर्टिफिकेट नहीं मिला डिग्री नहीं मिला ऑल दैट इज़ ओके बट आपके मार्क्स आपके सामने होने चाहिए क्यों क्योंकि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 अगस्त और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे वहाँ आपको अपने मार्क्स भी भरने होंगे इसलिए रिजल्ट आना जरूरी है टिल दिस कट ऑफ डेट विच इज़ इक्कीस अगस्त दो अगर आप फाइनल ईयर में हो रिजल्ट नहीं आया या एग्जाम दिया रिजल्ट नहीं आया अभी एग्जाम देने बाकी हैं या कंपार्टमेंट आया है आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हो इट हैज बी डन बाय दिस डेट 21 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए आ, और ऑल दो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इंटरव्यू के टाइम होगा लेकिन 21 अगस्त की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मार्क्स भरने होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए अदरवाइज अपना अपनी फॉर्म आप ठीक से ही नहीं पाओगे इसलिए आपका ये इक्कीस अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए अनदर uh, थिंगइज कुछ लोग एच आर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट मे बी दे आल्सो आर एलिजिबल फॉर मार्केटिंग ऑफिसर पर आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते आपको एक में ही चूज करना होगा एच आर ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर में अगर आप बाई चांस अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो अगर आपने डुअल स्पेशलाइजेशन किया है लेकिन तब भी आपको एक में ही जाना होगा अनदर थिंग आइज कि एच आर ऑफिसर में जो कहाँ कहाँ हायरिंग हाँ हो रही है कई आर पार्टिसिपेटिंग बैंक वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो 2024 का जो फॉर्म आया है उसमें जो एच ऑफिसर की हायरिंग है वो किस किस बैंक के लिए एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं सो so गाइज सिर्फ दो ही बैंक हैं जो एच ऑफिसर के लिए हायर कर रहे हैं दे आर बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया में 10 पोस्ट हैं और पंजाब नेशनल बैंक में 15 हैं सो so, टोटल 25 वैकेंसीज हैं बाकी सब बैंक्स इस साल हायर नहीं कर रहे हैं एंड इट कीप्स फ्रॉम ईयर ईयर टू सो बाकी लोग इस साल ऑफिसर uh, के लिए हायर नहीं कर रहे हैं मे बी फॉर अदर पोस्ट दे आर हायर अदर वैकेंसी बट एच आर ऑफिसर के लिए दो ही बैंक हायर कर रहे हैं विच आर बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ट्वेंटी फाइव